तो गाइज अभी हम आप लोग को लेके चल रहे हैं रतनपुर का किला, जो कि बहुत ही पुराना है। तो उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं अभी, तो वो अभी आप लोग को दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको रतनपुर का किला। तो एंट्रेंस गेट जो है कुछ इस टाइप से है दोस्तों। देखिए ये लिखा हुआ है प्राचीन किला, और ये छोटा सा गेट बना हुआ है। यहाँ से चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए ये पुराना जो है गेट है दोस्तों, ये वाला। बच्चे को कैसे सांप पकड़ा रहे हैं देखिए। और ये सब देखिए कुछ कुछ कलाकारी हुई है, मूर्तियां बनी हुई हैं गेट पे। ये बड़ा सा गेट है दोस्तों, प्राचीन उस समय का। और ये एक छोटा गेट, और इसके जस्ट बगल में जो है बड़ा गेट है। ये देखिए ये पूरा बीच का रास्ता खाली है। तो गाइस अब कुछ ही अवशेष यहाँ पे बचे हुए हैं, देखिए किले का। और यहाँ पे बहुत सारी जो है मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जो ऐसा लग रहे हैं परी जैसा लग रहे हैं कई तो। इसको पुराना है। तो गाइस ये बहुत ही बड़े परिसर में है, काफी बड़ा है ये चारों तरफ। और इधर के सारा जो महल वगैरह था किला का, सब ढह गया है। कुछ कुछ अवशेष ही बचे हैं। ये देखिए गाइस, ये सारे के सारे जो है वही पुराने वाले हैं, छठवीं सातवीं शताब्दी या उससे पहले के जो है। और पूरा का पूरा टूट चुका है, खाली उनके नीचे के अवशेष ही बाकी, और कुछ कुछ दीवाले हैं बस। और ये खूबसूरत सा गार्डन डेवलप किया जा रहा है। ये देखिए पुराने खंडहर वगैरह हैं यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस ये उस टाइम के जो है खंडहर वगैरह हैं। तो और ये एक टेंपल है, ये अभी तक बढ़िया अवस्था में है। और ये देखिए पूरे जो है उसी टाइम के बने हुए खंडहर हो चुके हैं। और ये पिलर देखिए गाइस, बड़े बड़े पिलर एक ही पत्थर का है पूरा। नो ऐसी हरे है वो कुआं है। और ये कुछ इस टाइप से है, और ये बीच में खुला जगह छोड़ा गया है पता नहीं किस लिए। ये इन्हीं किले के बीच में एक मंदिर है। जगन्नाथ स्वामी मंदिर। रथ यात्रा महोत्सव 2002 लिखा है। ये सब किले के अवशेष। तो गाइस ये
जो सारे जितने भी किले के अवशेष हैं वो बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए हैं, थोड़ा 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 करके अलग अलग जगह में है। तो आपको घूम घूम के दिखा रहे हैं हम लोग। ये एक और मंदिर जैसा है, देखते हैं क्या है। ये और कुछ अवशेष हैं उनके यहाँ पे, किले या महल कह लीजिए, उनका रतनपुर राजा का, राजा रत्नदेव का महल और पूरा परिसर। एक सुरंग जैसा, ये गाइस पुराना जो है किले वगैरह में जो रहते हैं वैसे ही है। देखिए वॉच टावर जैसा, जिससे किले की या महल की निगरानी कर सकें, उस टाइप से इस जगह को बनाया गया है। बहुत ही अमेजिंग पैलेस है। उस समय क्या खूबसूरत रहा होगा दोस्तों। और ये बगल में देखिए झील या तालाब कह लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। तो काफी देखिए रहस्यमय छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, देखिए ऊपर और इधर भी। देखिए गाइस बहुत ही छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग पैलेस। चलिए थोड़ा इधर जाते हैं। देखिए यहाँ पे और बहुत सारी जगह बनी हुई हैं। तो गाइस ये किले का परिसर बहुत ही बड़ा है। अगर आप लोग यहाँ घूमने आएंगे तो करीब करीब आधा से पौन घंटा लग जाएगा घूमते हुए, कि बहुत सारी जगह हैं और सारी की सारी जो है पुरानी जगह है। तो जो है पूरा टूट गया है पूरा, और छोटे छोटे अवशेष या ईंट बस बचे हैं वहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत पूरे इसको गार्डन जैसा डेवलप किया गया है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह भी है और ऐतिहासिक भी है। वह बिल्कुल आप लोग आके यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा बिता सकते हैं।